सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी जो कि पढ़ाई से रिलेटेड हो। जो भी अपडेट होता था वही मैं जनरली दिया करता था, बट मैं फाइनली बैक आ चुका हूँ। आप लोग का BCCLE का जो तैयारी होगा वो काफ़ी धुआंधार मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। जो भी BCCLE के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितना हो सकेगा आप लोग मेरे से प्रॉफिट लेने की कोशिश करिएगा। मैं फुल आप लोगों के फेवर में हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का BCCLE का जो प्रिपरेशन है वो मतलब कि मैं 80% to 90% आप मेरे यूट्यूब चैनल से ही कर ले, ठीक है। आपको बाकी जो 10% या 20% बचे हुए हैं वो आप लोग अपने प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जितना भी मेरा प्रिपरेशन रहेगा, जितना भी मेरा इफ़ोर्ट रहेगा, मैं सारा इफ़ोर्ट आप लोगों के साथ अभी आप लोगों के साथ जुड़ के मैं पूरा अपना फुल एफिशिएंसी के साथ आप लोगों का BCCLE का तैयारी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं कि BCCLE के रिगार्डिंग मुझे कोई सोर्स नहीं अवेलेबल है, कोई मुझे मतलब ऐसा नहीं मिल पा रहा जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट BCCLE का तैयारी कर सकूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा नीड है कि मैं BTech करूँ, ठीक है। तो मैं वैसे स्टूडेंट के लिए ही इस चैनल को क्रिएट किया था कि मैं सभी लोगों का एक मदद कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए सीधा सीधा हम लोग अपने पॉइंट पे बात करेंगे, ये सब तो बातें होती रहेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले जो है आज इंग्लिश का एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस इंग्लिश के वीडियो में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्पेलिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम दोगे BCCLE का तो वहाँ पर काफ़ी सारा वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसके इंग्लिश में आपको वर्ड का जो है उसका वर्ड आपसे पूछे जाएंगे, कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो एक आपको वो दे देगा, मतलब कि एक नहीं, चार ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये चार ऑप्शन दे दिया आपके पास, ठीक है, और चार में से पूछ लेगा आपको कि ये कौन सा स्पेलिंग सही है, ठीक है। मतलब एक ही मीनिंग का, मतलब एक ही वर्ड का सिमिलर मीनिंग रहेगा, बट उसका जो है ना वर्ड चेंज रहेगा, स्पेलिंग वगैरह चेंज रहेगा। उसमें से आपको पूछ लेगा कि इसका स्पेलिंग करेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, आप लोगों को बताना भी चाहिए था, और जिनका इंग्लिश थोड़ा मोड़ा अच्छा भी होगा उनको ये सब चीज़ आता भी होगा, बट जिनको नहीं आता होगा वो लोग यहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। और ये जॉब जो PDF मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मैं अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एग्रीगेट लिखा हुआ, ठीक है। तो एग्रीगेट का स्पेलिंग आप देख लो यहाँ पर कितना अच्छा से लिखा हुआ, ठीक है। ये एग्रीगेट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट आप देखिए, जब वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो यहाँ पे एक बार सिंगल जी लगा देगा, एक बार डबल जी लगाएगा, यहाँ पे एक बार जो एग्रीगेट लिखा है ना इसमें ई भी लगा देगा, ठीक है। तो इस तरीका से करके वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। एग्रीगेट का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो AGGRAGATE होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट इस तरीके से आप याद रखना, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा चीज़ों को आसानी से आप याद रख पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप जी जान लगा के करना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से है आपका एडजेसेंट लिखा हुआ, ठीक है। तो एडजेसेंट का भी स्पेलिंग आप याद रखना, AGGAACENT होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट ये होता है, ठीक है। उसके बाद से दो, उसके बाद से एंटम जो लिखा हुआ है, तो देखिए एंटम हम लोग पढ़ते जरूर हैं और एंटम हम लोग जनरली बोलते भी जरूर हैं, बट देखिए यहाँ पे एन लगा हुआ है तो ये एन आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो एंटम का जो एग्जैक्ट मीनिंग हुआ ना वो आपका AUTUMN होता है, ठीक है। तो आप इसको माइंड में रखना, ठीक है। उसके बाद से इसी तरीके से हम लोग बात करें एक्यूमुलेट, तो एक्यूमुलेट में डबल सी आता है, आप याद रखना, ठीक है। मैं जो जो पॉइंट पे वो ट्विस्ट करता है, जिस पॉइंट पे आपको घुमा सकता है उस पॉइंट को हाईलाइटेड कर रहा हूँ, उस पॉइंट पे आप स्ट्रेस देकर उस चीज़ को रिमेम्बर करने की कोशिश करना, एक बार अपने कॉपी में भी नोट डाउन करना, ठीक है। बाकी मैं PDF पे प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। तो उसका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से एक्योर का भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो, इसी तरीके से अब्सेंस का देख सकते हो, ठीक है। एनसीट्रिक का देख सकते हो, एग्री का देख सकते हो। एग्री तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, एग्रीएबल और एग्रीमेंट भी आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए था, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या करता है लोग, कभी लोग जो लिखते हैं ना वो डबल जी लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप ध्यान देखना कि डबल जी नहीं होता है, सिंगल जी होता है और डबल ई होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर डबल ई है, तो एग्रीगेट एग्रीमेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं और भी डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना, ठीक है। तो अब देखिए एड्रेस का देखते हैं, तो एड्रेस में कई बार हम लोग करते हैं ना कि सिंगल एस लगा के छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर डबल एस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना डबल डी और डबल एस होता है एड्रेस में, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे अचीव का, तो देखिए अचीव में आप लोग क्या गलती करते हो कि अचीव जो लिखते हो ना तो ACH तो लिखते हो
और एचसी में ई के बाद कितना लोग आई और भी लगा के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बट ये बिल्कुल आपका गलत होगा, ठीक है। आप ध्यान देखना, आई जो है ई के पहले आया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका एक बेसिकली रूल भी होता है, वो रूल मैं जो है ना कि एक वीडियो पहले ही बनाया था, उस वीडियो में आपको रूल को डिस्कस किया था, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आप देख सकते हो, तो इस पर ज़्यादा आपका जो है कमांड बन जाएगा, ठीक है। तो एचसीब है उसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये चीज़ लोग कन्फ्यूज कर सकते हैं, आई पहले आता है ई बाद में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से ऑलरेडी तो आपको आई होप कि मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को आता ही होगा, ऑलरेडी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एसियंस जो है ना, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो एसियंस में जो है ना कि आप ए डबल एस आता है, ठीक है। उसके बाद से डबल ए एस भी आता है आई के पहले, ठीक है। यानी कि बोलूँ तो ए डबल एस आई एन होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है, आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसी बात तरीका से हम लोग और भी काफ़ी सारे यहाँ पर पी डी एफ में दे रखा है, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने ए से ही बताना शुरू किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे बी से भी दे रखा है, ठीक है। बी के साथ साथ आपका यहाँ पे सी का भी दे रखा होगा, सी का है, डी का है, देख सकते हो आप, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और ये ए से जेड तक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो इसको मैं टेलीग्राम पे रिवील करा दूंगा, बट अभी मैं टेलीग्राम पे नहीं रिवील कराऊंगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को एक बार कंप्लीट कर लूँगा यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन के साथ, तो मैं आप लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का वीडियो जो मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोगों को मैं एक तरीके से अवेयर कर सकूं कि आप लोगों का यहाँ पे पूरा जी जान लगा के मैं आप लोगों के लिए पूरा बीसीसीएल का फुल प्रिपरेशन मैं कराने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना गाइज, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके लाइक करना, जितना हो सके कमेंट करना, क्योंकि मैं आ चुका हूँ बैक और फुल एफिशिएंसी के साथ आप लोगों के साथ काम करने वाला हूँ, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और अभी मैंने इंग्लिश का ये थोड़ा सा बस झलक दिखाया है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है दोस्त। अभी जुड़ के रहना मेरे साथ, देखना मैं ऐसे ऐसे चीज़ें दूंगा, ऐसे ऐसे मेटेरियल दूंगा, ऐसे ऐसे कंसेप्ट दूंगा जिससे कि आप बीसीसीएलई का गेट तक भी आप चीज़ों को सोच सकते हो, चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। गेट का मैं मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 100% कर सकते हो, बट हाँ एटलीस्ट उस लेवल तक का भी मैं सारा चीज़ों को कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, और शाम में भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो शाम में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।